Assalamu alaikum everyone, welcome back to another exciting episode of People Afar. Aaj ke episode mein we're meeting Sir Mahmood Hayat Khan. I'm sure most of you already know him. He is a brilliant economist, a mentor, a teacher, and a trainer, and the list goes on. He's an amazing friend as well. I have been taught by him for 4 years in my earlier education. I still remember his teaching methods and they were amazing. I found his teaching methods to be transforming. I thought I should seek his time for People Afar. Aur ye episode tamam teachers ke liye hai, tamam students ke liye hai, jo Sir Mahmood Hayat Khan ko jante hain aur jo nahi jante unke liye bhi. Ye episode exclusive hai. So let's get to the interview straight away with Sir Mahmood Hayat Khan. Will tell us his perspective on life, success, students, teaching methods, teachers, and much more. Let's get to the story straight away. मेरा नाम महमूद हयात खान है. मैं टीचिंग के इस प्रोफेशन में तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ. एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने किया, मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, और ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का या ट्रेनिंग का वो इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर है. फिर उसके बाद 2015 में मैंने सेफ्टी ट्रेनर की सर्टिफिकेशन ली यूके से, और उसके बाद मैं उसकी ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, एज ए सेफ्टी ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ, और कुछ कंपनीज के साथ एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ. शुरू से ही मेरा ये ख्याल रहा और मेरी ये तबीयत रही कि लोगों की खिदमत की जाए, उनका काम किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए. तो इस हवाले से वैसे तो बहुत सारी कोशिशें होती रहीं, लेकिन ख़ास तौर पे इस फील्ड में आने का ये जो ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि अगर किसी की आपने खिदमत करनी हो, किसी को आपने कुछ देना हो, कुछ उसके लिए करना हो, तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप उसको तरबियत दें, उसकी ज़िंदगी में रोशनी ले कर आएँ, उसके लिए आसानी पैदा करें, और ताकि वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल को जो है वो बेहतर तरीके से हल कर सकें. और मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि जो टीचिंग है वो उसको प्रोफेशन नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको इबादत कहना चाहिए. और ये इबादत है, ये खिदमत है, ये लोगों की ज़िंदगी में अंधेरे दूर करने का नाम है, ये लोगों की रहनुमाई का नाम है. और इसी ख्याल से मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक लोगों की खिदमत की, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश की, उनको रहनुमाई की, और जितना हो सका मैंने लोगों को ज़िंदगी में उनकी आसानियाँ लाने की कोशिश की. टीचिंग मेथड तो अब बहुत हद तक बदल चुके हैं, क्योंकि पहले तो क्लास बेस्ड जो टीचिंग की जाती थी, लेकिन आज जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो टीचिंग मेथड्स भी बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम जो है वो स्टूडेंट का थ्योरेटिकल नहीं होता बल्कि प्रैक्टिकल होता है, और होना भी चाहिए. और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो उसमें बजाय इसके कि हम क्लासरूम में बैठ के बुक्स को पढ़ें, उसको पढ़ाया जाए, बेहतर ये होता है कि उनको आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ले जाएं, फार्म हाउस में ले जाएं, और ग्रीन एरियाज़ में ले जाएं, ताकि लोगों को आप स्टूडेंट्स को वहाँ पे सारा प्रैक्टिकली दिखा सकें. वो जो बात समझेंगे, वो जो बात सीखेंगे वहाँ पर, वो फॉर एवर उनके जहन में रह जाती है. और जो क्लास बेस्ड होती है वो ज़्यादा असम्पशंस पे होता है कि ऐसा होगा, ऐसा होता है. तो अब मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो माजी के तरीके हैं उनसे इस वक्त जो तरीके सिखाए जाते हैं, जो तरीका या मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, वो बहुत बेहतर है और बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है. स्टूडेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वो तो हर टाइम का ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि क्लास के अलावा भी जो ऑन मोबाइल स्टूडेंट से रहता है सिलसिला, जो जहाँ भी पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, जो क्वेश्चन है उनके मोबाइल पे भी आंसर कर दिए जाते हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी कई स्टूडेंट्स जो है वो रब्ता रखते हैं, ईमेल भी करते हैं असाइनमेंट के हवाले से, कुछ क्वेश्चन हो उनका, और इनफॉर्मल डिस्कशंस भी रहती हैं फंक्शंस के अंदर. गेट टुगेदर्स भी सीनियर स्टूडेंट्स साथ रहते हैं, उसमें भी बड़े आराम से स्टूडेंट्स का कनेक्शन रहता है, और उनका जो भी इश्यूज़ हैं, जो मामलात हैं, उन पर बात की जाती है, उनको हेल्प आउट किया जाता है. टीचर्स के लिए सबसे अहम बात यह है कि उनके अंदर लीडरशिप का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीडरशिप होगी तो ही वो स्टूडेंट्स को या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जो है किसी ऑब्जेक्टिव के हासिल करने में ले के चल सकेंगे. अगर लीडरशिप नहीं है तो ये फिर बहुत मुश्किल होता है. इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई इसलिए होगा अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो उस कोर्स में, उसका सब्जेक्ट में नॉलेज आपका बहुत अच्छा हो,
और पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मेरे ख़्याल में वो स्टूडेंट्स का प्रोफाइल, जो आपके ऑडियंस हैं जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिनको सिखाने जा रहे हैं, उनका प्रोफाइल आपको पता हो कि कौन से स्टूडेंट किस किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का परसेप्शन डिफरेंट होता है, वो हालात को, मामलात को, मसाइल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखते हैं, और अगर आप एक ही तरीका अपनाएँगे, एक ही तरीके समझाने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको प्रोफाइल पता है कौन सा स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करता है, किस तरह से वो सोचता है, चीज़ों को देखता है, तो फिर आप वो तरीका इख्तियार करेंगे जिससे हर स्टूडेंट आपकी बात समझ सके, क्योंकि फिर वो नेचुरली आप उसको समझा रहे होंगे। तो ये तीन चार चीज़ें, ये टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो आपको पता है, रेगुलर हो, वेल ड्रेस्ड हो, ये सारी तो पहले से लोगों को मालूम है, लेकिन जो सबसे अहम बातें हैं वो मैंने दोबारा से रिपीट करूँगा, एक लीडरशिप होनी चाहिए और दूसरा ऑडियंस का प्रोफाइल पता हो आपको। जो सक्सेस की बात है, वैसे तो कई तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं सक्सेस को, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, जैसे हम हमारा दीन भी हमें कहता है कि कामयाब तो वही इंसान है जिसकी आदत अच्छी है, तो अगर इसी पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यकीनन वो तमाम लोग जो रॉन्ग डूअर्स नहीं हैं तो वो लोग कामयाब हैं। हमें चाहिए कि हम सही जो है, सही बात, सही काम वो ही करें, और ख्वा वो अपना करे, ख्वा वो कोई दुश्मन करे, आपने जो सही है काम वो करना है, और सही काम में ही सक्सेस है। और अगर हम गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, गलत कहेंगे, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर नाकामी है, नाकामी के सिवा कुछ नहीं है। तो सक्सेस जो मेरे ख्याल के मुताबिक, आप अगर सेटिस्फाइड होते हैं, घर जाते हैं, जब आप ऑल द डे लॉन्ग जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बाद घर जाते हैं और बिल्कुल आप कंफर्टेबल हैं, पीसफुल हैं, कोई आपको परेशानी नहीं, जहनी दबाव नहीं, तो इसका मतलब है आपने जो दिन को किया वो सही किया, और सही करने की वजह से आपको ये हासिल हुआ है। अगर कहीं भी आप गलत करेंगे, गलत बात होगी, गलत बयान होगा, झूठ होगा, गलत एक्शन होगा, तो वो कभी भी आपको चैन से नहीं लेने देगा। तो मेरा ख्याल है कि पीसफुल लाइफ जो है वो सक्सेस है, और सक्सेस आपको जो मिली वो आपकी अच्छी अफाल या अमाल की वजह से है, और इसी के नतीजा जो है वो आखिरत में भी आपकी कामयाबी की सूरत में निकलता है। तो कोशिश करें, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है, नमाज़ बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा जो मैंने बात की है उस पर अमल करें। जो लाइफ के अंदर सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो तो आप समझते भी होंगे, किसी के स्कूल ऑफ थाट को चेंज करना होता है, किसी की बिलीफ को चेंज करना होता है, और किसी की आदत को चेंज करना होता है। ह्यूमन बिहेवियर से जब भी आप डील करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए। तो मेरे नुक्ते नज़र से ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं बारहा इस चैलेंज का सामने मैंने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली किया है। बहुत लोगों के जो बिलीफ्स हैं उनको मैंने चेंज किया और कोशिश की वो सही रास्ते पर आएँ, और उसकी बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आगे भी, इससे बाद भी इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगा कि किसी को स्कूल ऑफ थाट को, अगर वो गलत है, गलत सोचता है, तो उसको ठीक सोचने पे कायल किया जाए और उसको सिखाया जाए, तो सही बात सोचे, सही काम करें। और मैं ये नहीं कहता कि जो लाइफ का चैलेंज है वो बहुत बड़ा बिजनेस मैन बनना है, तो बहुत बड़ा जो टाइकून बनना है, या जी वो होते होंगे, होंगे भी लोगों के लिए, मगर मेरा जो लाइफ है, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, उसके मुताबिक जो लोगों के ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, जो सही नहीं हैं, उनको ठीक किया जाए और उनको अच्छाई की तरफ लाया जाए, बस यही सबसे बड़ा चैलेंज है इंसान के लिए, और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। वाकेंट को आमतौर पे तो मिनी इस्लामाबाद कहा जाता है कि ये मिनी इस्लामाबाद है, और ये इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो सहूलतें पाई जाती हैं वो इस्लामाबाद की जैसे हैं, मगर इसके साथ साथ जो मेरा ख्याल है, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इसको मिनी कराची भी कहा जाए तो भी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह कराची में सारे पाकिस्तान के लोग रहते हैं, इसी तरह वाह के अंदर भी सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं, रहते हैं, फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, और एक जगह रहने के बाद आप ऐसे लगेगा आपको कि आप पूरे पाकिस्तान
سے مل چکے ہیں, پورے پاکستان کو گھوم چکے ہیں, یہاں کی ویلیوز, یہاں کی فیملیز کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے کھانے پکانے کے انداز اور رہن سہن, ان کا کلچر, سب کچھ آپ کو ایک ہی چھوٹی سی جگہ پہ مل جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے سٹی آف ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے اس کو, ہر طرح کی تعلیم, ہر لیول کی تعلیم اور بہترین طریقے سے یہاں پہ لوگ حاصل کرتے ہیں, اور اتنی چھوٹی جگہ پہ, یہ میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے. دو تین یونیورسٹیوں کا ہونا, بے شمار کالجز کا ہونا, اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا ہونا, تو یہ ایک یونیک فیچر ہے وہاں کا. علم سکھانے کے ساتھ تربیت کا ایلیمنٹ شامل کرنا, یہ سر کا ایک خوبصورت سٹائل ہے. کچھ خوبصورت تجاویز ان کی جو ہم نے سیکھیں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہم سب کو دوبارہ سنائیں تاکہ میں آپ تک پہنچا سکوں, تو آئیے سنتے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے جو ہم نے بات کی کہ اپنے ٹائم میں سے کوئی ٹائم دیں, 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ دے دیں گے. نماز کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا ہے نا, اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. نماز لازمی پڑھیں, نماز مت چھوڑیں. میں رائل سے کہہ رہا تھا کہ زندگی میں اچھا برا اپنے وقت پہ ہر بندہ کرتا ہے, کچھ زیادہ کچھ کم, لیکن میں نے یہ سمجھا کہ جو نماز ہے نا, اس جیسے کچھ بھی نہیں ہے لائف کے اندر, کچھ بھی اس جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے مال میں سے کچھ تھوڑا بہت دیا کریں, آپ کے گھر میں جو فالتو چیزیں پڑی ہیں وہ آپ سیکریفائز کریں, دیں لوگوں کو, گھر میں بھی اسپیس نکلے گی, اللہ اس کو پھر بھر دے گا. پتہ ہے آپ کو یہ بات, اللہ اس کو پھر بھر دے گا. میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک بات کی تھی کہ وہ فروٹ, میری عادت ہے میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں گوشت اور فروٹ, بہت پسند کرتا ہوں, تو مجھے جب جہاں بھی ملتا ہے گھر میں بھی میں کھا جاتا ہوں سارا. اب بیگم بچوں کے لیے کچھ آتے ہیں فروٹ, اس طرح وہ کہتی ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آپ کسی کو بھی چھوڑتے نہیں. میں نے کہا بیگم یہ جو ہے نا خالی کریں گی تو اور بھر دے گا اللہ, اور خالی کریں گے اور بھرا جائے گا, اس کو آپ خالی نہیں کریں گی تو یہ تو پھر ویسے ہی رہے گا, خراب ہوتا رہے گا. تو جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ اس کو اور دے گا. لوگوں کو اپنا ٹائم دیں, پیرنٹس کو خاص طور پہ ٹائم دیں, پیرنٹس کو, ٹھیک ہے, دوستوں کو ٹائم دیں, اور فیس بک آپ یوز کریں, ضرور کریں لیکن کم. آپ جب موبائل یوز کرتے ہیں نا تو ایک میجر پارٹ آپ کا برین کا اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی آنکھیں بہت بری طرح متاثر. اب آپ آج آپ ہیں نا بی کام 2009 میں, آپ 3 سال بعد اپنی آئی سائٹ ابھی چیک کریں, ٹھیک ہے, اور 1 سال بعد دوبارہ آپ چیک کروائیں. اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کی بہت تیزی سے روشنی کم ہوگی, اور لیپ ٹاپ آپ یوز کریں گے سیم بھی طریقہ ہے. آپ باقاعدہ کل آج بلکہ صبح میں سن رہا تھا تو وہ سیفٹی کے لوگ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ موبائل کو کیسے یوز کیا جائے, لیپ ٹاپ کو کیسے یوز کیا جائے. ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ کی آنکھیں بچ جائیں گی, آپ کی جو بیک پین کا ہم بات کرتے ہیں یہ, اس سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو مقصد یہی تھا, آپ سے ملاقات بھی ہو جائے, مدت ہو گئی, اور یہ کچھ چیزیں تھوڑی سی ریمائنڈ آپ کو کرا دی جائیں, اور اللہ آپ کی زندگی میں کامیابی لائے, آسانیاں کرے. یہ مستقبل کے ابھرتے ستارے ان محفوظ ہاتھوں میں ہیں, تو یہ جان کر دل کو خوشی ملتی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ہماری زندگی میں جو ہماری اکمپلشمنٹس ہیں وہ ہمارے ٹیچرز کی وجہ سے ہیں. اور آپ کچھ اسٹوڈنٹس کا پرسپیکٹیو بھی آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام محمد شرجیل ہے, میں بی کام پارٹ 1 میں سر محمود سے پڑھا ہے. سر محمود نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا ہے, انہوں نے ہمیں ادر نالج بھی دی ہے اپنی زندگی گزارنے کی. میں محمد احمد ہوں اور میں سر محمود حیات سے پڑھا ہوں, اور انہوں نے ہمیں بی کام 1 میں اکنامکس پڑھائی ہے. یہ ہمیں اکنامکس میں سبجیکٹ کے علاوہ ڈیلی لائف کے مطابق بھی ہمیں بتاتے تھے, جو ہمیں پریکٹیکل لائف میں بہت یوزفل ہے. مائی نیم از حمزہ احمد عباسی, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف بی کام پارٹ 2. سر محمود سے ہم نے پچھلے سال جو ہے یہ اکنامکس پڑھی تھی, تو سر محمود کا پڑھانے کا انداز بہت پیارا ہے, باقی ٹیچر سے کافی ڈفرینٹ ہے. سر محمود بڑے پیار سے, خلوص سے, ادب سے اپنا سمجھ کر ہمیں پڑھاتے ہیں. نام محمد بلال ہے, میں بی کام میں سر سے اکنامکس کا سبجیکٹ پڑھا ہے. سر نے ہمیں اکنامکس کے علاوہ بہت سی ڈیلی لائف کے بارے میں بھی انفارمیشن دی ہے, جو میں اس پر عمل کر کے ایک اچھا انسان بن سکوں. السلام علیکم, میرا نام محمد صفان علی ہے, میں بی کام پارٹ 1 میں سر محبوب سے پڑھ چکا ہوں, اور ان کی باتیں سن کر پرسنل لائف پہ بھی بہت افیکٹ پڑا ہے. واو, دیٹ واز امیزنگ. آئی ایم شور موسٹ آف یو کین ریلیٹ ٹو دی فیلنگ دیٹ آئی ہیڈ وائل آئی انٹرویوڈ. اور اس ویڈیو کے تھرو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے برلینٹ ٹیچرس کو, سر محمود حیات خان کو, اینڈ آل آف دی ٹیچرس دیٹ ہیو ٹاٹ می. میرے نزدیک ان کی ٹیچنگ سے میری زندگی پر بہت اچھا اثر پڑا, اور امید ہے آپ سب کو بھی یہ ایپیسوڈ انتہائی پسند آیا ہوگا.
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब के चैनल को. इन पीपल ऑफ आर देयर इज अ लॉट मोर कमिंग योर वे. कुछ प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज, कुछ टीचर्स के इंटरव्यूज, कुछ डिफरेंट बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोगों के इंटरव्यूज. सो देयर इज अ लॉट मोर कमिंग योर वे. मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो सून. दिस इज राहिल मलिक साइनिंग ऑफ. सलाम पाकिस्तान.